यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पांच बटे छह की रात को, छह की सुबह को पुलिस को ये पता चला कि कुछ आलू जो है वो विधानसभा भवन के सामने 1090 चौराहे के पास इत्यादि जगह पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। पुलिस को जब यह सूचना मिली कि तो पुलिस ने उस पर कंट्रोल रूम को सूचना गई और नगर निगम को बताया गया। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि किसी की कोई किसान एसोसिएशन या इसके द्वारा कुछ किया गया हो, लेकिन उसी दिन पुलिस के द्वारा, हमारे द्वारा विभिन्न अखबार माध्यमों को बताया गया कि ये किसी की शरारत है। उसके बाद हम लोगों ने इस केस को एक चैलेंज के रूप में लिया, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण इलाका था और इस महत्वपूर्ण इलाके में इस तरह से लोग गाड़ी से आए और आलू को सार्वजनिक रोड पर फेंके, ये अपने आप में ये दिखाता है कि जिन लोगों ने भी यह कार्य किया है उनका यह कार्य डेयरिंग था और कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती था, क्योंकि आज आलू फेंका गया, कल को कोई और भी आदमी आ सकता है। उसी समय हमने कार्रवाई करते हुए जो हमारे सिपाही तैनात थे और सब इंस्पेक्टर जो नाइट ड्यूटी पर थे, जो नाइट ऑफिसर होते हैं थाने के, उसको उसी दिन निलंबित कर दिया गया था। हमारे बहुत ही कर्मठ अधिकारी, हमारे सीओ हजरतगंज और एसपी सिटी ईस्ट, इन दोनों ने काफी परिश्रम की और मैं इसमें पूरी क्रेडिट देता हूं अपने सीओ हजरतगंज को, और 10,000 से ज्यादा फोन के बीटीएस नंबर लिया और 10,000 से ज्यादा फोन को इन्होंने खंगाला। उसके बाद उसमें से एक नंबर मिला पाल का, क्या नाम है, संतोष पाल जो कि एक ट्रक का ड्राइवर था, उसका नंबर मिला। उसके बाद उस चीज का मिलान ये किया गया, उसमें भी इनकी मेहनत थी, कि आरटीओ के यहाँ इन्होंने ये देखा कि संतोष पाल के नाम से और जो भी नंबर थे उसको इन्होंने चेक करने का प्रयास किया आरटीओ के इससे, तो उससे ये क्लियर हो गया कि संतोष पाल के पास एक गाड़ी है जो हाफ डाला जो गाड़ी रहती है 407 वाली, वो गाड़ी है संतोष पाल के पास और उसकी लोकेशन, संतोष पाल की गाड़ी की लोकेशन उस दिन 4:15 इसी इलाके में थी। हजरतगंज का जो यह बेल्ट है, जो जिस बेल्ट पर आलू फेंका गया, उसकी गाड़ी की लोकेशन वहीं थी। इससे पहले उसकी गाड़ी की लोकेशन वहां कभी नहीं आई थी। इसके कॉल डिटेल के बाद हम लोग मुतमईन हो गए कि ये संतोष पाल उस दिन यहां पर आया था और उसकी गाड़ी ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज में थी। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसके फोन नंबर के आधार पर उसकी गाड़ी का यहां आना, उसके बाद टीम को हम लोगों ने कन्नौज रवाना किया। कन्नौज रवाना करने पर संतोष पाल को पुलिस ने जब उससे पूछताछ करना शुरू किया तो संतोष पाल ने इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया और उसने कबूल किया कि उसके पास हाफ डाला है और अभी कुछ दिन पहले उसने खरीदा था। उसकी गाड़ी का जब सीसीटीवी दिखाया गया तो उसकी गाड़ी हूबहू वही गाड़ी थी जिस गाड़ी से आलू फेंकना सीसीटीवी में आया था, और उसने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस घटनाक्रम में इसने कहा कि मैं तो गाड़ी को ले गया था और लेकर मैंने वहां पर आलू फेंका और वहां उसके बाद हम लोग लौट आए। इसके पीछे साजिश में उसने चार लोगों के, वहां के लोगों के नाम बताए जो लोग रहने वाले कन्नौज के थे, और उस गाड़ी में इसमें मुख्य साजिशकर्ता जो था ये कुक्कू चौहान नाम का आदमी है, शिवेंद्र सिंह कुक्कू चौहान। दूसरा लड़का था संदीप उर्फ रिक्की यादव, जिसने गाड़ी लोगों को मुहैया कराई। दीपेंद्र सिंह चौहान इसी कुक्कू चौहान का रिश्तेदार है, भाई है। चौथा आदमी था संजय कटियार, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं कन्नौज के, और प्रदीप सिंह उर्फ बंगाली प्रधान, और छठे जय कुमार तिवारी उर्फ बड़े बउवन। ये टोटल छह लोग थे जिन्होंने कि इस पूरे घटनाक्रम की साजिश रची और अंजाम दिया। इसमें जो गाड़ी के जो ड्राइवर थे, इसके अलावा अन्य भी गाड़ियां इसमें शरीक थी, सिर्फ एक ही गाड़ी का यूज नहीं हुआ था, उन सब ड्राइवर का भी हम लोग लोकेशन उसके आधार पर हम लोग उनके लिए भी हुक्म तहरीरी भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ये कुक्कू चौहान था वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आगे आगे चला, और उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अंकित सिंह, जो आज का एक्यूज्ड है ये लड़का, अंकित सिंह भी उसी गाड़ी में बैठा हुआ था। अंकित सिंह का जो मोबाइल नंबर है और कुक्कू चौहान का मोबाइल नंबर, दीपेंद्र सिंह चौहान, इन सबके जो मोबाइल नंबर है, उन सब मोबाइल नंबर की लोकेशन उस दिन भी, जिस दिन की ये घटना है, उस समय इसी जगह पर आ रही है। और कुक्कू चौहान गाड़ी की, इसकी फॉर्च्यूनर आगे थी, उसमें अंकित सिंह बैठा हुआ था। अंकित सिंह के अलावे उसकी गाड़ी में
अंकित सिंह के अलावे उसकी कुकू चौहान की गाड़ी में प्रदीप सिंह, अंकित सिंह बैठे हुए थे और दीपेंद्र सिंह भी उसी की गाड़ी में बैठा हुआ था। और इन लोगों ने ये बताया कि थटिया में एक सतीश जाटव का कोल्ड स्टोरेज है। सतीश जाटव और कौन दोहरे थे? अनुराग दोहरे। सतीश जाटव और अनुराग दोहरे का कोल्ड स्टोरेज है। उस कोल्ड स्टोरेज के से इन लोगों ने इसको लिया। हम लोग जानते हैं कोल्ड स्टोरेज से इन लोगों ने 5 तारीख को आलू लिया, जो आलू पुराना और खराब क्वालिटी का आलू था, जिसको सड़ा हुआ आलू कहते हैं। और वहां पर जो गाड़ी इनको मुहैया कराई, संदीप यादव उर्फ रिक्की ने उनको गाड़ी मुहैया कराई। कोल्ड स्टोर सतीश जाटव ने किससे खरीदा था? राम विनोद मिश्रा जी का कोल्ड स्टोर था, उनसे सतीश जाटव ने इस कोल्ड स्टोर को खरीदा था। इस तरह से इस पूरी स्टोरी को जो डिजाइन किया गया, डिजाइन किया कुकू चौहान, संजू कटियार, संदीप यादव, प्रदीप सिंह उर्फ बंगाली प्रधान, इसके अलावा जय कुमार तिवारी उर्फ बड़े बौवन, और शिवेंद्र का जो भाई है, जो कुकू चौहान है, उसका भाई दीपेंद्र चौहान। और उसमें गाड़ी जो जिसका यूज किया गया, ये संतोष पाल, इसकी गाड़ी का यूज हुआ, और अंकित सिंह उस दिन इसमें बैठा हुआ था। यहाँ पर बीटीएस में यहाँ पर पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि रात में ये लोग आए तो माल एवेन्यू में ये लोग किसी के पास गए थे। माल एवेन्यू में अब ये किसके पास गए थे, ये पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें और स्पष्ट होगी। लेकिन अभी जो सीसीटीवी में जो गाड़ी थी, फुटेज थी, यही संतोष पाल जो आपके सामने है, इसकी गाड़ी थी और अंकित सिंह उसके साथ आए थे। और अन्य जिन लोगों का नाम बताया वो थे, पुलिस की दबिश में कुकू चौहान अपने घर पर मिला नहीं, वो घर पर भाग गया, वो हमारे लिए वांटेड है। पुलिस ने उसी दिन इस घटना में धारा 431 आईपीसी की धारा 431 जो कि नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस धारा में पुलिस ने मुकदमा रजिस्टर्ड कर लिया था 7 तारीख को ही, और इसमें विवेचना जारी है। संप्रति इसमें 2 लोगों को अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अन्य जो मुलजिम हैं उनके खिलाफ हुक्म तहरीरी हमने जारी कर दी है और उन लोगों को भी पुलिस अरेस्ट कर। सर अभी